आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास किधर है जो तुम्हारे अंदर पहले हुआ करता था? तुम क्या थे और अब क्या हो गए हो? तुम कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सोचते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास कहीं गुम हो गया है, उसे वापस लाओ। तुम्हें दुनिया में कोई उठाने नहीं आएगा। तुम्हें उठना भी खुद है और बढ़ना भी खुद है, और लड़ना भी स्वयं होगा। यहाँ कोई तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा। तुम तो एक निडर व्यक्ति थे, अब बात बात पर तुम्हें डर लगता है। कोई भी फैसला लेने में 10 बार सोचते हो तुम। मुझे मालूम है, जिस माहौल में तुम रह रहे हो उस माहौल में अक्सर हर कोई अपने आप को खो देगा। अपनी पहचान, अपने जीवन का उद्देश्य, सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने अंदर एक नई रोशनी की किरण लानी होगी। तुम्हारी काबिलियत की वजह से ही सब तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम बिल्कुल भी हार नहीं मानोगे। तुम्हें मुझे वचन देना होगा, क्योंकि तुम एक बहादुर इंसान हो और तुम इस तरह हार नहीं मानकर बैठ सकते। मैं तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाऊंगा जहां हर कोई पहुंचना चाहता है, जिस मंजिल तक पहुंचना हर किसी का सपना होता है। अपने अंदर के आत्मविश्वास को किसी भी कारण कमज़ोर मत होने देना। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जो तुमने अपना सपना देखा है वो अवश्य ही पूरा होगा। तुम्हारा रखवाला वो परमात्मा है। कोई तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हारा बुरा करने की सोचेगा भी, तो मालिक उसे बख्शने वाला नहीं है। इसलिए जो जीवन में करना चाहते हो करो, किसी से डरो नहीं, आगे बढ़ो। तुम्हारी काबिलियत ही तुम्हें ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाएगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी रखवाली ईश्वर स्वयं कर रहा है। खुश रहो सदा, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।